कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? चार मीनार, भारत, पिरामिड। जिस प्रकार चार मीनार भारत में है, उसी प्रकार पिरामिड निम्नलिखित में से कौन सा देश में है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी वेटिकन, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी कनाडा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस्र, इजिप्ट। अगला सवाल है कि नीचे एक घुमाए हुए घन को दो स्थितियां दर्शाई गई है। जब संख्या पांच ऊपरी पलक पर होती है तो निचले पलक पर कौन सी संख्या होगी? देखिए, घन की दो स्थितियां हैं। एक समान पलक से क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ने पर विपरीत पलक प्राप्त होता है। दो स्थिति समान पलक है, जैसे इधर देखिए, इस घन में भी इधर इस साइड में पांच है और इस घन में भी इस साइड में पांच है, तो समान पलक पांच पांच हो गया। विपरीत दिशा में इधर देखिए, ऊपर में एक है लेकिन इस घन में ऊपर में तीन है, इस घन में इस साइड में दो है लेकिन इस दूसरा वाला घन में इस साइड में छ है, तो विपरीत पलक में एक तीन दो छ है, समान पलक में पांच पांच। नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है। जब एक संख्या पांच ऊपरी पलक पर होगी तो निचले पलक पर कौन सी संख्या होगी? देखिए, घन की दो स्थितियां में एक समान पलक से क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ने पर विपरीत पलक प्राप्त होता है। पहली जो स्थिति है इस साइड में, इसमें भी पांच है और दूसरी स्थिति है तो इसमें भी पांच है, तो समान पलक है पांच पांच। अब विपरीत पलक में क्या है कि इस साइड में एक है और नीचे वाला इस साइड में दो है, दूसरी स्थिति में इस साइड में ऊपर में तीन है, नीचे में इस साइड में छह है। घन में छह पलक होते हैं लेकिन हमें कितना दिख रहा है, एक दो तीन पांच छह, लेकिन यहाँ पे पलक चार गायब है, इसलिए पांच के विपरीत पलक होगा चार, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि एक पार्टी में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है। एक घंटे के बाद पांच लड़के पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और फिर तीन लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती है। एक घंटे पहले पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, ये बताना है। देखिए, माना कि लड़कों की संख्या एक्स है, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा एक्स बटा दो। प्रश्न से अब एक घंटे बाद लड़का जो है पांच चला जाता है, लड़की जो है लड़की में तीन और आ जाती है। अब इसको सरल कीजिए, एक्स माइनस पांच बराबर इस कुछ नहीं है तो एक है, तो दोनों कैल्शियम लेंगे, दो एक्स कुछ नहीं है तो छह हो जाएगा। यहाँ पे अब दो को इससे गुना कर दीजिए, एक्स माइनस पांच बराबर एक्स प्लस छ, दो एक्स माइनस दस बराबर एक्स प्लस तीन। दो एक्स है, ये एक्स इधर आएगा आउट करके तो माइनस एक्स हो जाएगा, छ माइनस दस है बराबर के इधर आएगा तो प्लस दस हो जाएगा। दो एक्स में से एक एक्स गया, बचा एक्स, एक्स का मान आ गया 16। अब पूछा है कि एक घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे, तो हमने माना था लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या एक्स बटे दो, इसको जोड़ दीजिए, एक्स का मान 16, 16 बटे दो, इसको भाग दीजिएगा आ जाएगा 8, 16 में 8 जोड़िएगा हो जाएगा 24। यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अभिषेक आशु का भाई है जो जय का बेटा है, स्वाति ज्योति की बेटी है, मालती आशु और ज्योति की माँ है, अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है? अभिषेक आशु का भाई है, अभिषेक आशु का भाई जो कि आशु जो है जो जय का बेटा है, मालती आशु और ज्योति की माँ है, आशु और ज्योति की माँ है, इसकी भी माँ है आंसू की और ज्योति की भी माँ है, स्वाति ज्योति की बेटी है। अब ज्योति की बेटी स्वाति है, तो अभिषेक और स्वाति में क्या संबंध है? तो मामा का, भांजी का, माँ का भाई या बहन की बेटी, यही चार रिश्ता होगा, ऑप्शन नंबर डी माँ का भाई। अगला सवाल है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। ऑप्शन ए ये हो जाएगा इतिहास और ये हो जाएगा भूगोल, आइए टोटल सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध होते हैं? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सॉफ्टवेयर वर्जन, पुस्तक का इन चार में से वही संबंध है जो संबंध सॉफ्टवेयर और वर्जन का है। ऑप्शन ए पब्लिकेशन, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी पेपर बैंक्स, ऑप्शन डी एडिशन। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर कई वर्जन के आते हैं उसी प्रकार बुक जो है अनेक पेपर बैंक के संस्करण होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पेपर बैंक्स। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस सीरीज को पहले यहां लिख लीजिए, 1, 3, 5, 11, 21, 43। अगला नंबर क्या होगा? 1 में 2 से गुना कीजिएगा और माइनस 1 कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 1 में फिर 2 से गुना कीजिए, फिर प्लस 1 कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 में 2 से गुना कीजिए, माइनस 1 कीजिए, 3 दुना 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 2 से गुना कीजिए, अब फिर प्लस 1 कर दीजिए, 5 दुना 10, 1 जोड़िएगा 11। 11 को 2 से गुना कीजिए, 11 दुना 22, माइनस 1 कर दीजिए, 21 हो जाएगा। 21 को 2 से गुना कीजिए तो 42, अब 42 में 1 जोड़ दीजिए, 43 हो जाएगा। 43 को 2 से गुना कीजिए, अब माइनस 1 कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, 43 दुना 6, 8, इसमें से 1 घटा दीजिए, 85, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरे सांप छिपकली रेंगने वाले के बीच का संबंध सही निरूपण करता है? देखिए यहां ये भी अलग जात का हो गया, ये भी अलग जात का हो गया, ये भी अलग जात का हो गया, रेंगने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये हुआ बड़ा जात, उससे छोटा जात ये हुआ, इससे छोटा जात ये हुआ, तो ये भी एक जात का नहीं, हमको खोजना है रेंगने वाला, एक ही जात का, ये दोनों जो है अलग अलग जात का है, बाहर भी है अंदर भी, लेकिन ये रेंगने वाला है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। ये हो जाएगा आपको सांप, ये हो जाएगा छिपकली, ये हो जाएगा छिपकली, ये जो पूरा हो गया रेंगने वाला सरीसृप जाति का, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक पुस्तक में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तक में गणित के पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? माना गणित की पुस्तकों की संख्या m है, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या p है। प्रश्न से कहा है कि गणित का 25% यानी 25/100 भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। अब भौतिकी की जो पुस्तक है उनकी 2/3, 2/3 के बराबर, तो बराबर दे दीजिए, उसको काटिए, एक बार में 4 बार में। m को 1 से गुना करेंगे m हो जाएगा, m को 1 से गुना करेंगे तो m हो जाएगा 4/4 बराबर। p को गुना कीजिए 2 से, 2p 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 3m बराबर 2p को 4 से गुना करेंगे तो 8p हो जाएगा, m बटे p लिखिए, 8 और p गुना का संबंध है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 8 का 8 लिखिए, 3 और m गुना का संबंध है, बराबर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8 का, तो इसका आ गया 8:3, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।